हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जस्ट इमेजिन करो आप एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गए हो जहां पर एंटर होते ही आपको आपकी हथेली का बैक साइड दिखाई दे, या इमेजिन करो वहां पर एक अजीब सा इंसान खड़ा है। अब जैसे ही आप उसे टच करते हो और जैसे ही आपको देखने के लिए वो पीछे घूमता है, वैसे ही उसके बॉडी पार्ट्स अंदर बाहर रोटेट होने लगते हैं, बिल्कुल इस 5D स्पेस टाइम में रोटेट होते हुए क्यूब की तरह। देखो, फिफ्थ डायमेंशन को इमेजिन करना और उसे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, एंड आई नो आप उसे इतनी आसानी से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, पर चलो इसे समझने के लिए हम बेसिक डायमेंशन से ही शुरू करते हैं, यानी कि बेसिक ज्योमेट्री। अल्सो बात है 300 BCE की, जब 2D और 3D शेप्स की बात ग्रीक टाइम के सबसे महान ज्योमेट्रिशियन यूक्लिड ने अपने एक बुक यूक्लिड्स एलिमेंट्स में की थी, और वहां से जो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी अगले 2000 सालों तक ये दुनिया भर में यूज होने वाला था। लेकिन 2000 साल तक इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद अचानक से दुनिया ने यूक्लिड के इस डायमेंशन की थियरी से अपना मुंह फेर लिया। वेल, आखिर क्यों? वेल, यूक्लिड की ज्योमेट्री के अनुसार पॉइंट ए को पॉइंट बी से स्ट्रेट लाइन में जोड़ने के बाद जो पैथ क्रिएट होगा वो होगा द शॉर्टेस्ट पैथ, और फिर चाहे वो दोनों पॉइंट्स अर्थ पर ही क्यों ना हो। पर जब पहली बार इंसान अपनी शिप्स को लेकर अर्थ के चक्कर लगा रहा था, तब उन्होंने ये देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पैथ तो है ही नहीं। इसका मतलब यूक्लिड का जो एक्सप्लेनेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन सर्फेस तक ही एप्लीकेबल था, कर्व्ड सरफेस के लिए हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते थे। जैसे इस इमेज में देखो, प्लेन सरफेस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ है, पर कर्व सरफेस के लिए स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कर्व सरफेस के लिए एक नई थियरी इजाद हुई, जियोडेसिक्स, टू स्टडी शॉर्टेस्ट पाथ ऑन कर्व सरफेसेस, जिसके बाद उन्होंने रिसर्च को कंटिन्यूसली शुरू ही रखा, और फाइनली 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया, द फोर्थ डायमेंशन। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आता है एक कैच। साइंटिस्टों के हिसाब से फोर्थ डायमेंशनल स्पेस हो या फिफ्थ डायमेंशनल स्पेस टाइम, हम सिर्फ 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस को ही देख सकते हैं। आखिर क्यों? वेल, क्योंकि हम जिस 4D यूनिवर्स का हिस्सा है, हम सिर्फ हमसे लोअर डायमेंशंस को ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 2D ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे पीछे और लेफ्ट राइट ही देख सकता है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के सामने मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट रखा, तो ये 2D ऑब्जेक्ट बस उस 3D ऑब्जेक्ट के सिर्फ शैडो यानी कि परछाई को ही देख पाएगा, उसको वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। पर अगर मैं पूरा एंगल ही चेंज कर दूं, अगर मैं थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इस पूरे सीन को देखूं, तो वो 3D ऑब्जेक्ट 2D वर्ल्ड को भी देख पाएगा और 1D वर्ल्ड को भी देख पाएगा। तो क्या इसका मतलब हम जैसे 3D बीइंग्स कभी भी 4D ऑब्जेक्ट को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे? वेल, दैट्स नॉट ट्रू, आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो। चलो मैं सिखाता हूं कैसे। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, आपको स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। अब ये पॉइंट है 0th डायमेंशन। अब अगर मैं इस पॉइंट को कॉपी करके स्क्रीन पर कहीं भी पेस्ट करूं और दोनों को कनेक्ट कर लूं, तो क्या फॉर्म होगा? करेक्ट, एक लाइन, यानी हमारा फर्स्ट डायमेंशन। अब अगर लाइन को कॉपी पेस्ट करके मैं उनके पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट करूं, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा जो है 2D। अब अगर हम दो रेक्टेंगल ले और उनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दे, तो एक क्यूब मिलेगा जो कि एक 3D फिगर है। एंड नाउ यू टेल मी, आप एक 4D स्पेस वाले क्यूब को कैसे बनाओगे? एग्जैक्टली, 4D स्पेस में हम दो क्यूब्स लेंगे और उनके वर्टाइसेस को कनेक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा डायग्राम, विच इज ऑल्सो नोन एज टेसरैक्ट। सो इस तरीके से बेसिकली आप फोर्थ डायमेंशन को इमेजिन कर सकते हो। I know still it's very tough to imagine, but this is the closest representation that we can reach. Now, सवाल ये है कि इतना complex structure समझने की हमें जरूरत क्या पड़ी है? Well, जरूरत है. So, जब scientists dark matter की खोज कर रहे थे, तब उन्हें fifth dimension का रास्ता मिल गया. और जब fifth dimension को उन्होंने टटोला, तब उन्हें ये पता चला कि dark matter तो बस एक normal fermion particle से बना है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में हमारे dimension से fifth dimension में jump कर गया. Yes. आज से करीब 100 साल पहले जब विश्व भर में फेमस बिग बैंग थियरी की बात चल रही थी, तब हर साइंटिस्ट के मुंह पर बस एक ही बात थी कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सारे बिग बैंग के वक्त एक ही सिंगल फोर्स हुआ करते थे। और अगर देखा भी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक साथ आपस में इमेजिन करना आसान भी था, पर जैसे ही कोई ग्रेविटी को बाकी तीनों से जोड़ने की कोशिश करता, सारे के सारे बड़े महारथी साइंटिस्ट फेल हो जाते, मानो ग्रेविटी और बाकी तीनों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन ही ना हो। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने हमारे 4-डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक का सारा खेल समझाने के लिए जब अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तब उन्होंने दो यूरोपियन फिजिसिस्ट थियोडोर कलूसा और ऑस्कर क्लेन, इनकी मदद ली अपने थियरी को आगे मैथमेटिकली फिफ्थ डायमेंशन में बढ़ाने के लिए। और तब उन्होंने जो डिस्कवर किया
वो काफी फैसिनेटिंग था। उन्होंने ये पाया कि ये इक्वेशन तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आपस में जोड़ रहा है इन फिफ्थ डायमेंशन। अब ये कैसे? वेल, कलूजा क्लेन की ये जो जॉइंट थ्योरी थी ना, ये कहती है कि हमारे ऑर्डिनरी पार्टिकल्स जब काफी हाई इंटेंसिटी से आपस में टकराते हैं तो वो कुछ ऐसे पार्टिकल को जन्म देते हैं जो हमारे 4D यूनिवर्स से जंप करके फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, लेट मी चेक आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्या ये पार्टिकल हम जैसे 3D जीवों को दिखाई देगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं, पर क्योंकि वो पार्टिकल काफी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिफ्थ डायमेंशन में गया है, वो उस एनर्जी से मास और से ग्रेविटी पैदा करते हैं, और यही वजह है कि साइंटिस्टों ने इसे नाम भी दिया ग्रेविटॉन, एक ऐसा पार्टिकल जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है बट हमारे डायमेंशन में वो दिखाई नहीं देता। लेकिन इस सब में अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किधर आया? सो वेल, फिजिसिस्ट एड्रियन कार्मोना, जेवियर कैस्टेलानो रुइस और मैथियास न्यूबर्ट, ये तीनों अपनी रिसेंट रिसर्च में एग्जैक्टली उसी को साबित करने के चक्कर में पहले डार्क मैटर के पार्टिकल तक पहुंचे और फिर एक फिफ्थ डायमेंशन के पोर्टल तक। असल में आज से कुछ साल पहले एड्रियन कार्मोना और उनके कॉलीग्स को कलूजा क्लेन थियरी की वजह से एक सवाल आया। सवाल था कि जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से किसी भारी चीज को उठाते हैं तब इनडायरेक्टली हम ये भी साबित करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होती है और वो ग्रेविटी के मौजूदगी में भी किसी चीज को आराम से ऊपर खींच सकती है। सो व्हाट इफ ब्रह्मांड का ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या लाइट भी एक ऊपरी डायमेंशन में बैठकर ग्रेविटॉन्स को ऊपर खींच रहा हो? कुछ समझ आया? वेल, उनके कहने का मतलब है कि हो ना हो ये ग्रेविटॉन ही असल में फिफ्थ डायमेंशन में बैठा ग्रेविटी इन्फ्लुएंसिंग डार्क मैटर है जिसे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ऊपर हायर डायमेंशन में खींचा था। पर एक सेकंड, इसे साबित कैसे करोगे? वेल, यही सवाल उन्हें शुरू से झिंझोड़ रहा था कि तभी एक चमत्कार हो गया। उनके एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला कि जिस पार्टिकल को वो अब तक एक तरह का ग्रेविटॉन या सिंपली ग्रेविटी पार्टिकल समझ रहे थे वो तो बस एक साधारण मैटर को रिप्रेजेंट करने वाला फर्मियॉन पार्टिकल निकला जिसे हम में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्चुअली एड्रियन और उनकी टीम इस ग्रेविटॉन और डार्क मैटर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने तंग आकर फाइनली पूरी कहानी एकदम ब्रह्मांड के शुरुआत से शुरू की। उन्हें लगा कि फिलहाल शायद यही सबसे समझदार फैसला है, एंड गेस व्हाट, वही सबसे समझदार फैसला था भी, क्योंकि जब वो मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर, बोसॉन्स इन सब को एकदम शुरू से समझने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे ही बाय चांस उन्होंने साधारण मैटर यानी फर्मियॉन्स को रिप्रेजेंट करने वाले मैथमेटिकल इक्वेशंस और फिफ्थ डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशंस इन दोनों को मर्ज करके देखा, और गेस करो उन्हें क्या मिला होगा? वेल, उन्हें पता चला कि जैसे ही फर्मियॉन्स यानी साधारण मैटर आपस में काफी हाई इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे से टकराते हैं तो वो फिफ्थ डायमेंशन में पहुंचकर हमें मास देने वाली हिग्स फील्ड से जरूरत से ज्यादा इंटरैक्ट करने लगते हैं। इसका नतीजा उनका मास 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना नहीं बल्कि हजारों गुना बढ़ जाता है, यानी उनसे ब्रह्मांड में ग्रेविटी तो बढ़ जाती है पर फिफ्थ डायमेंशन में होने की वजह से वो हमें कभी दिखा ही नहीं देती। अब ये कैरेक्टरिस्टिक सुनकर कुछ याद आया? Yes, डार्क मैटर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च, डार्क मैटर असल में बस साधारण मैटर है जो फिफ्थ डायमेंशन में बसा हुआ है, और अगर हम हमारे करंट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से भी बड़ा पार्टिकल एक्सीलेटर बना पाए तो 2 साधारण फर्मियॉन्स को हाई इंटेंसिटी से टकराकर उसे एक फिफ्थ डायमेंशनल पोर्टल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? अब साइंस एक तरफ तो मिथोलॉजी में भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फिक्शनल इंटरप्रिटेशन है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये रियलिटी है, बट थिंकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव विल ऑल्सो हेल्प। हिंदू पुराणों के अनुसार स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक, इन 3 डायमेंशंस में हमारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसे फिर समय के 4th डायमेंशन से बढ़कर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा भगवान इस रियलिटी को कंट्रोल करते हैं, और यही वजह है कि यूनिवर्स को संस्कृत में ब्रह्मांड भी कहते हैं, जिस पर फिर आगे 5th डायमेंशन से विष्णु जी नजर रखते हैं। और इसीलिए पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान का काम है ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशंस के मैटर और एनर्जी के लिए रूल सेट करना। अब आई नो आज के लिए कुछ ज्यादा ही माइथोलॉजिकल हो गया, पर हर पर्सपेक्टिव से सोचने की आदत होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू बिलीव दिस, बट जस्ट इस पर्सपेक्टिव में रखने का भी एक नजरिया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप अलग अलग हायर डायमेंशंस में कैसे दिख सकते हो? वेल, इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।